शोएब बहुत बहुत स्वागत आपका एबीपी न्यूज में। शोएब, जीत जीत होती है और हार हार होती है, लेकिन जब मामला भारत और पाकिस्तान का हो जाए तब तो जीत जीत से बड़ी हो जाती है और हार जो है वो और शर्मनाक भी हो जाती है। नहीं, हार शर्मनाक नहीं होती है, हार से सबक सीखा जाता है, क्योंकि हार एक ऐसी चीज है कि अगर आप डिमोरलाइज ना हो तो उससे बहुत कुछ सीखा जा सकता है। क्या है कि हिंदुस्तान बहुत अच्छा खेला है और बॉलिंग में आउटक्लास किया उन्होंने, उन्होंने बैटिंग बहुत मैच्योर की। आपको लगता है कि देखें जब रोहित बैटिंग करते हैं तो पता लगता है बड़े फ्लॉलेस हैं, आराम से बैटिंग करते हैं, बड़े कोई चांसेस ज़्यादा लेते नहीं, अपने मिडिल ऑर्डर को एक्सपोज नहीं होने दिया, नोइंग द फैक्ट है कि केएल राहुल बीच में नहीं है, अंबती रायडू हैं, फिर उसके बाद कार्तिक आते हैं, उन तक वो बात जाने नहीं दी। उन्होंने बड़े आसानी के साथ क्रूज थ्रू किया, वन डायमेंशनल बॉलिंग अटैक पाकिस्तान ने खिलाया जो नहीं खिलाना चाहिए। पाकिस्तान के पास शहनशाह अफरीदी जैसे खलील हैं, वैसे लंबे चौड़े हैं, काफ़ी बाउंसर्स भी तेज़ करते हैं, तो वो थोड़ा सा उसको उनको खिला के थोड़ा देखना चाहिए था। वन डायमेंशनल फास्ट बॉलर से थोड़ा प्रॉब्लम हुआ है, बट हिंदुस्तान आउटक्लास पाकिस्तान, दिस इज लॉट टू लर्न फ्रॉम दिस, और हिंदुस्तान को बहुत बहुत मुबारक हो क्योंकि बहुत अच्छा खेले हैं और बड़ा समझदारी के साथ किया। भूवी की बात करते हैं, भूवी ने एक्चुअली लेंथ में बड़ी अग्रेशन है उनकी, वो कोई विर्थ देते नहीं हैं, वहीं पे वो खिलाते रहते हैं और वहीं पे एक्सपोज करते हैं, और आज उनकी पेस भी बड़ी अप टू द मार्क रही, पेस में कभी नीचे नहीं आए। एंड बुमराह इज एक्सलेंट एज एवर, लेकिन केदार यादव एंड कुलदीप, केदार यादव को हम एज एक्स्ट्रा स्पिनर लेते हैं, वो एक्स्ट्रा स्पिनर नहीं है भाई। और दूसरा, बट हैविंग सेड दैट, रुमाना या अगर आप देखेंगे कि कुलदीप को हमने प्रैक्टिस शायद नहीं किया, हमने उनको मिसरीड करते हैं, और कुलदीप विकेट टेकिंग बॉलर हैं, शायद पाकिस्तान उनको रीड नहीं कर सका सही। आप जो बात कह रहे हैं, मैं पाकिस्तान के नजरिए से अगर जानना चाहूं, आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान की टीम यहाँ पर ओवर कॉन्फिडेंस में मात खा गई क्या, कि पहले से सोचकर बैठे हुए थे लो जी विराट कोहली तो है नहीं, अब तो इनकी बल्लेबाजी पूरी विराट कोहली के इर्द गिर्द घूमती है, ये तो कमजोर सी टीम आ रही है, मतलब ओवर कॉन्फिडेंस कि हमारी तो गेंदबाजी दुनिया में ऐसी गेंदबाजी है जी, कहां रुकेगा इंडिया, कहां टिकेगा इंडिया, हसन अली आ जाते हैं जी, मैं तो अकेले 10 विकेट ले लूंगा इनके, मतलब ये ओवर कॉन्फिडेंस जो है वो भारी पड़ गया क्या इस टीम को? नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। मुझे लगा कि पाकिस्तान बैटिंग थोड़ा लुक्ड इन अ हरी, बहुत सारे शॉट्स खेल गए। अगर आप देखें कंपैरेटिवली दिन की बैटिंग से शाम की बैटिंग आसान लगी, क्यों कि बॉल बेहतर आ रहा था, क्योंकि फ़खर जमान को अगर बल्ले पे बॉल तेज़ ना आके लगे तो उनकी थोड़ी सी मसला होता है, तो मुझे लगा कि शायद वो बहुत जल्दी कर रहे थे, बॉल थोड़ा इवन बाउंस पे तो आ रहा था लेकिन ऊपर नीचे हो रहा था, शॉट कैलकुलेट करके नहीं मार रहे थे। लेकिन पाकिस्तान ओवर कॉन्फिडेंस नहीं था, हम सारे जानते कि हिंदुस्तान की टीम एक बहुत अच्छी टीम है, तगड़ी टीम है, और मैं ये समझता हूं कि आई थिंक कि पाकिस्तान को बैटिंग में थोड़ा सब्र से काम लेना चाहिए। आपको जहां पे आपके मिडिल ऑर्डर सेट हो गए थे, शोएब मालिक और बाबर आजम सेट हो गए थे, उनको में से किसी को 150 करना चाहिए था, बड़ा सो करना चाहिए था, लेकिन वहां पे उन्होंने 2-3 शॉटें ऐसी गंदी खेल गए जिसके मुझे उम्मीद नहीं करता था उनसे। दूसरा, फिर सरफराज एज अ कैप्टन, उनसे कैप्टन इनिंग्स मांगी जाती है, जहां पे उन्होंने बड़ा रैशनल शॉट मारा, इररिस्पॉन्सिबल शॉट मारा, जिसकी वजह से पाकिस्तान में ये पाकिस्तान इतना काम टोटल करने में नाकाम हुआ, कामयाब हुआ। लेकिन फिर भी मैं ये कहता हूँ कि पाकिस्तान नीचे, ये डिमोरलाइजिंग होने की वजह नहीं, डिमोरलाइज मत होइए, क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी में भी आप ऐसे ही हारे हैं, आप पिक करते हो मिडिल ऑफ द टूर्नामेंट में, आप अगर सीख गए हो अगले मैच तक सीख जाते हो या अपनी बैटिंग को बेहतर कर लेते हो, तो आई थिंक दिस डिफीट इज गोना डू लॉट गुड टू यू देन वर्स। देखो शोएब, यहाँ पर एक बात जो बार बार निकल कर आ रही है कि भाई पाकिस्तान जो है हक्का बक्का यकीनन रह गया है अब इस हार से, जिस तरीके से भारत के हाथों उसे हार मिली है, और आइए जरा जल्दी से आपको तस्वीरें दिखाते हैं एक बार फिर से, वो तस्वीर हसन अली के, पाकिस्तानी तेज गेंदबाज हसन अली जो पहुंचे थे वाघा बॉर्डर पर, पहुंचकर किस तरीके के एक्शंस उनके भारत की तरफ मुंह करके उन्होंने किए थे, मतलब एक चुनौती भरा अंदाज जो वो वहां पर दिखा रहे थे। हालांकि शोएब अख्तर जो है लगातार इस तरीके के व्यवहार की आलोचना करते रहे कि इस तरीके से आपको बिहेव नहीं करना चाहिए, ये बड़ा इमेच्योर बिहेवियर है। आज शोएब अख्तर, आपको लगता है कि हसन अली भी इस बात को रियलाइज कर रहे होंगे कि ये जोश अगर मैदान पर दिखाते तो शायद अपनी टीम, अपने मुल्क के लिए ज्यादा बेहतर कर पाते? चले, हम यहाँ क्रिकेट की डिस्कस करने आए हैं, क्रिकेट भी डिस्कस करते हैं, हम सारे
ऐसी चीज़ें करते हैं जिससे शायद दूसरे लोग हर्ट होते हैं, लेकिन कोई बात नहीं। लेकिन वो उसका जज्बा अपने मुल्क के लिए वो उसकी इस वजह से कर रहा है। देखिए फोकस क्रिकेट पे रहना चाहिए हमारा। हसन अली यहाँ पे सीम और स्विंग ज़्यादा मिलेगा नहीं आपको, ये 40 डिग्री पे है, बॉल सीम ज़्यादा होगा नहीं आपको, थोड़ा सा 132 पे या 135 पे बॉल नहीं कर सकते आप, 140 प्लस करेंगे तो आप डिसीव करेंगे इन विकेटों पे। तो आई थिंक पाकिस्तान को वन डायमेंशनल बॉलिंग से गुरेज करना चाहिए, बट स्मार्ट कैप्टनसी वाज रिक्वायर्ड फ्रॉम सरफराज एट द सेम टाइम। मुझे लगा कि शादाब को बहुत लेट लेके आए, जल्दी आना चाहिए था उनको। शोएब आज हुआ क्या पाकिस्तान की टीम को, क्योंकि जब इंडिया और पाकिस्तान का मैच होता है तो हम ये मानकर चल रहे होते हैं कि रोमांच ऐसा होगा, दो शेर नजर आएंगे एक दूसरे के साथ भिड़ते हुए, जोरदार टक्कर देखने के लिए मिलेगी, लेकिन आज तो मामला पूरी तरह एकतरफा होता चला गया भारत के हक में। ये बात ठीक है कि हिंदुस्तान ने आज बहुत ही बेहतर क्रिकेट खेली, इस बात से इनकार नहीं कर सकते कि हिंदुस्तान ने चारों डायमेंशन में अगर देखें, बॉलिंग बैटिंग और फील्डिंग में अगर देखें और कैचिंग में भी देखें कि हिंदुस्तान ने पाकिस्तान को आउटस्मार्ट किया है, विच इज़ वेरी गुड, क्योंकि हिंदुस्तान डिजर्व करता था इस विन के लिए। लेकिन हैविंग सेड दैट, इस डिफीट में बहुत सारा सबक रखा हुआ है पाकिस्तान के लिए। मैं बार बार कहता हूं कि आप जब डिमोरलाइज्ड होते हो तो तब आप पे प्रॉब्लम शुरू होता है, जब डिफीट से आप सीखते हो तो आप बेहतर होते हो। मुझे ये लगता है कि पाकिस्तान को अब ये चीज़ करनी चाहिए, बैटिंग सेटल करनी चाहिए अपनी, आराम से 50 ओवर खेलने हैं आपने, आप पहले सेटल इन करिए, फखर जमान चार्ज ले, इमाम उल हक वहीं पे ठहरे, फिर मालिक आता है वो चार्ज ले, बाबर जमान तो स्टे करे, तो पाकिस्तान की बैटिंग को सेटल होना है, पाकिस्तान को टोटल लगाना है यहाँ पे। बट वन डायमेंशनल फास्ट बॉलर भी आप नहीं खिला सकते, शाहीन शाह अफरीदी को इनेविटेबल है खिलाना, उनको लाना बहुत ज़रूरी है कि उनके पास पेस है, कद है और वेरिएशन है। तो जब भी पाकिस्तान ये सारी चीज़ें सोचेगा आज बैठ के, होपफुली सोचेगा कि तो पाकिस्तान ही कम्स आउट अ बेटर टीम, फिर इंशाल्लाह आपको दो शेर लड़ते हुए नजर आएंगे बड़ी जल्दी इंशाल्लाह। बड़ी बात यहाँ पर जो शोएब अख्तर कह रहे हैं, देखिए कह रहे हैं कि पाकिस्तान की टीम हारी जरूर है लेकिन यहाँ से सबक लेने की टीम को जरूरत, मायूस होने की जरूरत है नहीं। क्या शोएब अख्तर टीम को टिप्स देंगे पाकिस्तान की, क्योंकि टूर्नामेंट तो अभी शुरू हुआ है, एक बार फिर से भारत और पाकिस्तान को इसी टूर्नामेंट में फिर से आमने सामने होना है। शोएब, ये ऐसी हार जो पाकिस्तान को मिली है लंबे वक्त तक टीम को परेशान करेगी क्या? करना नहीं चाहिए, क्योंकि आप हार से सबक सीखते हैं और मूव ऑन करते हैं। अगर आप डिमोरलाइज हो के उसी पे फंसे रहेंगे तो आप ज़िंदगी में कहीं बेहतर नहीं होंगे। तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान को यहाँ से बहुत कुछ सीखना है, पाकिस्तान को ये भी देखना है कि अब पाकिस्तान को मोमेंटम गेन करना है, कि अगर ये हार टूर्नामेंट के शुरू में मिल जाए आपको तो आप फिर आने वाले वक्तों में अपनी तैयारी पूरी करते हैं और फिर आप मोमेंटम गेन करते हैं और वो मोमेंटम लास्ट तक रहता है। जैसे आपने चैंपियंस ट्रॉफी में देखा, पहली दफ़ा भी हिंदुस्तान से हारे, बाद में लेटर ऑन मोमेंटम गेन किया, श्रीलंका को हराया, इंग्लैंड को हराया, तो मोमेंटम गेन करते हैं। लेकिन बट यू गॉट टू अंडरस्टैंड वन थिंग, पाकिस्तान नीड्स टू बैट सेंसिबली, एनवायरनमेंट सेंस ऑफ एनवायरनमेंट भी आपको चाहिए, डिसरिगार्ड ऑफ एनवायरनमेंट भी ये भी नहीं होना चाहिए। पाकिस्तान नीड्स टू पिक द बेस्ट 11 एट द सेम टाइम, पाकिस्तान नीड्स टू गेट द वेरिएशन गोइंग, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है पाकिस्तान के लिए। स्मार्ट कैप्टनसी कम्स इन टू प्ले, कि जल्दी स्पिनर को इंट्रोड्यूस करना चाहिए। अब स्पिनर भी अनफिट हो चुके हैं शादाब, आई डोंट थिंक कि वो पूरा सीजन शायद अब खेल सके, पूरी सीरीज खेल सकें। अब शाहीन शाह अफरीदी कितना जल्दी लाते हैं ये भी देखना है। बट लेसन टू बी लर्न्ड, मूव ऑन एंड कम बैक हार्ड, दिस इज व्हाट इज गेम इज ऑल अबाउट। बिल्कुल, उससे बेहतर तो कुछ भी नहीं होगा अगर इस हार से पाकिस्तान की टीम सबक ले ले, क्योंकि टूर्नामेंट तो अभी शुरू ही हुआ है। शोएब भाई, दिक्कत यही हुई पाकिस्तान की टीम में, ऐसा लगा ही नहीं कि कोई भी खिलाड़ी जो अपनी जिम्मेदारी को समझ रहा है, जिम्मेदारी महसूस कर रहा है और उस पर खरा उतर रहा है। सबको इतनी जल्दी थी कुछ कर जाने की कि नतीजा ये हुआ कि 162 पर पहले तो आप सिमट गए और उसके बाद देखिए आप गेंदबाजी में भी अपनी कुछ नहीं कर पाए, वो तो आपकी ताकत थी। बिल्कुल सही कहा आपने, और ये वैलिड क्वेश्चन है आपका और बहुत ठीक आपने कहा। लेकिन देखिए पाकिस्तान बैटिंग बहुत रश में लगी, हरी में लगी, बहुत तेज़ शॉट खेले, बहुत सारे शॉट खेले, किसी ने ये नहीं सोचा कि 45 से 50 ओवर खेलने हैं हमने, तो हमारे दो बैट्समैन लेट और डेप्थ तक जाएं और लेट ओवर्स तक जाएं, वो नहीं किया उन्होंने। फिर आई थिंक हमारी बॉलिंग ने रिस्ट्रिक्ट नहीं किया हिंदुस्तान को, 163 दे रन, मैच जीत जाएं लेकिन मुश्किल से करें, वो मुश्किल डाली नहीं गई हमारे बॉलर से। तो आई थिंक डिसिप्लिन बॉलिंग नहीं की गई, और अगर आपने बाउंसर करने हैं वो तो तगड़े करने हैं, तेज़ करने हैं, ताकि फिल्डर लेके करने हैं, वो भी मेरे ख्याल में आउट ऑफ द प्लेस लगे। बट ये आज की मीटिंग में बहुत सारी चीज़ें डिस्कस होंगी और मैं जब लड़कों से मिलूंगा भी तो उनको बताऊंगा कि आपने गलतियां क्या की हैं, और आई एम श्योर कि वो लर्न करेंगे, इससे सीखेंगे और कम बैक स्ट्रॉन्ग। क्योंकि ये देखिए हिंदुस्तान से मैच हारना
इट्स नॉट वेरी इजी टू टेक एंड सोलो टू इन। मुझे यही है कि पाकिस्तान अच्छा कम बैक करे, मुझे पूरा यकीन है पाकिस्तान कम बैक कर लेगी, और मुझे ये भी यकीन है कि पाकिस्तान अच्छा खेल दिखाने में कामयाब होगी, ताकि आप भी महसूस हों वो देख के खेल और हम भी हों। आप गोई से देखिए, शोएब अख्तर यहाँ पर बात कर रहे हैं कि जब मुकाबला भारत और पाकिस्तान के बीच होता है ना, तो जीत सिर्फ जीत नहीं होती, वो बहुत बड़ी जीत होती है, और हार जो है किसी भी टीम के लिए हो वो सिर्फ हार नहीं होती, वो हार अपने साथ बहुत ज्यादा मायूसी लेकर आती है। ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।